ये देखिए, इसको लग रहा है कि आटे से बना हुआ डोसा है। कितना क्रिस्पी बना है। और मात्र 2 मिनट में बना है, साथ ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट डोसा बनाने की रेसिपी। वो भी ये हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। ना चावल दाल भिगोने का झंझट, ना ही पीसना और ना ही फर्मेंट करने का झंझट, और टेस्ट तो बिल्कुल बाजार जैसा आएगा ही। साथ ही इस डोसे का हम आलू वाला मसाला भी बनाएंगे, जिससे आप इंस्टेंटली झटपट मसाला डोसा भी बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी मैंने एक अपने व्यूअर के डिमांड पर बनाई है, जिनका नाम मैं वीडियो के एंड में लेने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची बिल्कुल बाजार जैसा डोसा बनेगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखिए और साथ ही साथ इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करके बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डोसे का बैटर बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल वाला जो गेहूं का आटा होता है घर में, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। मैं यहाँ नाप के लिए मेजरमेंट कप ले रही हूँ। आप इस तरह का चाय का कप भी ले सकते हैं या फिर कोई कटोरी लेके उससे आप नाप लें। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ इसे कुरकुरा बनाने के लिए डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब सूजी यानी रवा। इसको सेमोलिना भी बोला जाता है। ये नॉर्मल वाली सूजी है जिसे हम हलवा या उपमा में यूज़ करते हैं। अब हम पहले सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। ये दही हल्का सा खट्टा लेना है हमें, जिससे जो चावल वाला डोसा बनाते टाइम टेस्ट आता है फर्मेंटेशन का, वैसा ही टेस्ट इसमें आएगा और साथ ही ये अच्छे से फूलेगा भी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डोसे जैसा बैटर ही बनाना है हमको। अब हम इसमें आटा यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें हमें डालना है, जिससे इसमें गांठे नहीं पड़े। अगर इसमें एक बार गांठे पड़ गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ भी हमें नहीं करना है। अगर ज़्यादा इसको हम गाढ़ा रखेंगे या ज़्यादा पतला रखेंगे तो डोसा परफेक्ट नहीं बनेगा। इसको हमें ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो डोसा ठीक से फैलेगा नहीं और मुलायम पड़ जाएगा। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी इसका ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब इसमें गांठे नहीं है जरा सी भी। तो अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे, जिससे डोसे में अच्छे से जाली पड़ेगी और डोसा अच्छे से क्रिस्पी भी होगा। साथ ही अब हम इसमें बचा हुआ पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें 1 कप पानी का यूज़ किया है, बाद में हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो ये देखिए, बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और इसको कुछ देर के लिए रेस्ट होने देते हैं, जिससे कि ये आटा अच्छे से फूल जाएगा। तब तक हम आलू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने ये 5 आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं, इन्हें हमें मैश करना है। तो हाथों से, आप चाहो तो कद्दूकस से भी मैश कर सकते हैं। मैं हाथों से मैश कर रही हूँ। बट जब हम बाज़ार वाला जो डोसा खाते हैं, उसका जो मसाला होता है वो उतना मैश किया हुआ नहीं होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 आलू को हाथों से मैश किया है और 1 आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इससे बिल्कुल ही बाजार जैसा मसाला बनेगा। तो ये देखिए, मैश हो गए हैं। अब हम एक पैन में 1 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और ऑयल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और उसके बाद डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई यानी सरसों के दाने। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है हमें और राई को चटकने देंगे। जैसे ही राई चटकने लगेगी हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। तो ये मैंने सूखे हुए कड़ी पत्ते यूज़ करे हैं। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप वही यूज़ करें। साथ ही इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। ये मेरी हरी मिर्च लाल हो गई थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ।
आधी टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक का ही यूज़ कर लें। इसमें मिक्स करेंगे इसे थोड़ा सा। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून डालेंगे अमचूर का पाउडर। अमचूर की जगह पे आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, ये भी आधी टीस्पून डाल रही हूँ। आप कोई भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसे हमें हल्का सा भूनना है। तो भूनने के लिए मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच के करीब। इससे मसाला जलेगा भी नहीं और अच्छे से फ्लेवर भी छोड़ेगा। अब हम धीमी आंच पर इसे भूनेंगे जब तक मसालों में से ऑयल दिखने ना लगे। चलाते रहेंगे इसको। तो ये देखिए, ये ऑयल छोड़ दिया है मसालों ने। तो अब हम इसमें आलू डाल देते हैं जो हमने मैश करके रखे हुए थे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मैश करते हुए इसको मिक्स करेंगे हम। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 चम्मच के करीब पानी और इसको मिक्स करेंगे। बाजार के मसाला डोसे का जो बैटर होता है, जो मसाला होता है, वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता है, सूखा नहीं होता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है उसमें, जिससे जब हम डोसे के ऊपर आलू का मसाला फैलाते हैं तो वो अच्छे से फैल जाता है। इसलिए हमने इसमें पानी डाला है। अब इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। जब तक ये पकता है तब तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है और आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, ये आलू का मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इसको हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये रेडी है और अब चलते हैं डोसा बनाने की प्रोसेस में। तो ये आटा भी अब अच्छे से फूल गया है और देखिए, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, एकदम फ्री फ्लोइंग बैटर नहीं है। तो इसमें हम अब आधा कप पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगेन इस बात का ध्यान रखना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। टोटल हमने इसमें 1 और आधा कप यानी कि 1.5 कप के करीब हमने इसमें पानी का यूज़ किया है। और बैटर हमारा इस तरीके से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह से ये फ्री फ्लोइंग बैटर हमारा बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे इनो। ये मैंने लेमन का फ्लेवर वाला इनो लिया है। आप नीला वाला, जो रेगुलर वाला इनो आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और या फिर आप बेकिंग सोडा और उसके ऊपर नींबू डाल के एक्टिवेट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक पैकेट पूरा डाल रही हूँ इनो का और इसको अब हम मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा विग्रेसली मिक्स नहीं करना है हमें, जल्दी जल्दी हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो ये रेडी है। यहाँ मैंने डोसा तवा गर्म कर लिया है, उस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसको टिश्यू पेपर से अब पोंछ लेंगे। आप चाहो तो किचन टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है हमें जब हम डोसा फैलाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस पर अब हम 2 चमचे डोसे का बैटर डाल देंगे और इसे इस तरीके से बीच में से बाहर की तरफ आते हुए फैला लेंगे। थोड़ा बहुत अगर ये साइड छोड़ता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। तो डोसा अब हमने फैला लिया है, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को अब थोड़ा सा तेज करेंगे, मीडियम पे कर लेंगे और इसको अब हम सिकने देंगे। डोसा फैलाते टाइम तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा डोसा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को कम रखें जिससे कि तवा ठंडा रहेगा पहले डोसा फैलाते टाइम, और अगर तवा ज़्यादा गर्म हो गया हो तो उस पर थोड़े से पानी के छींटे डाल के आप उसको ठंडा कर सकते हैं। अभी ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई सा दिख रहा है, तो इस टाइम पर अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से छिड़क देंगे
और इसको इस तरीके से चमचे से हम फैला देंगे। इससे क्या होगा, इससे डोसा बहुत अच्छे से नीचे से गोल्डन हो जाएगा। अगर आप लोहे के तवे पर बना रहे हो तो तवे पर ऑयल डाल के उस पर प्याज रगड़ देंगे तो वो नॉनस्टिक का ही काम करेगा। ये टिप मुझे मेरे एक व्यूअर्स ने ही दी थी। तो ये देखिए, ये ऊपर से गोल्डन दिखने लगा है और साइड्स भी इसने अपने आप ही छोड़ दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसे पलट देंगे और कुछ सेकंड के लिए, मात्र 30 से 40 सेकंड के लिए इसको अब हमें पकने देना है इस साइड से। तो ये पक गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। हाथों से फोल्ड करने से हाथ जल सकते हैं, तो आप कोई चिमटा ले लीजिए और उससे इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये डोसा। इसी तरह से आप आगे के डोसे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए है ना, एकदम क्रिस्पी, एकदम मार्केट स्टाइल बना है। तो तैयार है हेल्दी और टेस्टी डोसा बिना किसी झंझट के। ना ही दाल भिगोना, ना ही चावल पीसना, कोई भी झंझट इसमें नहीं है। आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। जब आपको जल्दी हो, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी और उनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिए इस हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह के आप और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी, आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।